यशोमति मैया के नंदलाला। धरा, भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। वरदान तो सभी भक्तों को मिलता है, परंतु हमें तो हरि का वचन मिला है। वो आएंगे, अवश्य आएंगे। अब हमें केवल उस शुभ दिन की प्रतीक्षा करनी है। अब और प्रतीक्षा नहीं होगी मुझसे। हमने सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या की, ये समझ लो कि वो तपस्या अभी शेष। नहीं, श्री हरि को अपने सामने देखकर मेरी व्याकुलता का बांध टूट गया है। दो जन्म बहुत बड़ा समय होता है स्वामी। अपने पुत्र के रूप में हरि को गोद में खिलाने के लिए अब मैं और दो जन्मों तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती। माता धरा की तपस्या का तेज अत्यधिक है। प्रकृति के पंच तत्व, पांचों महाभूत इनकी पुकार सुनने के लिए विवश है। धरा, प्रभु आप नियमों से तो अवश्य बंधे हैं, परंतु आप लीलाओं के स्वामी हैं। कोई तो उपाय निकालिए। आपने इन्हें मां कहकर पुकारा है, मां की प्राण रक्षा पुत्र नहीं करेगा तो और कौन करेगा?
प्रभु। प्रभु नहीं, पुत्र कहो मां। पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। आज जैसे आपने मुझे अपनी गोद में लिटा रखा है, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि शीघ्र ही मुझे आपको अपनी गोद में खिलाने का अवसर मिल जाए। आज तो मैं केवल मूर्छित हुई हूं, किंतु शीघ्र ही यदि मुझे आप पुत्र रूप में ना मिले तो मेरे प्राण चले जाएंगे। ऐसा ना कहो मां, माता देवकी को मैं पहले ही वचन दे चुका हूं, इसलिए विधि के विधान के अनुसार मुझे उन्हीं का पुत्र बनकर जन्म लेना होगा। किंतु आपकी आतुरता का अनुभव करने के बाद अब मैं भी आपका स्नेह पाने से स्वयं को और वंचित नहीं रख सकता। आपने वरदान मांगा था कि आप पुत्र की भांति मेरा पालन पोषण करना चाहती हैं, इसलिए यदि आप उचित समझे तो आप अगले जन्म में ही अपनी इच्छा पूर्ण कर सकती हैं। जिस आयु में संतान को अपनी मां की ममता के आंचल की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, उस आयु में अर्थात अपने जन्म के प्रथम दिन से 10 वर्षों तक मैं आपके साथ रहूंगा, किंतु फिर मुझे अपनी जन्म देने वाली मां माता देवकी के पास लौटना होगा। ऐसा करने से मैं उन्हें दिया वचन भी निभा पाऊंगा और आपकी ममता का सौभाग्य भी प्राप्त कर पाऊंगा। यदि आपको स्वीकार हो तो। स्वीकार है, स्वीकार है प्रभु, सहर्ष स्वीकार है। एक मां और पुत्र का नाता केवल उसके कोख से जन्म लेने से ही नहीं बनता, ये नाता तो ममता से बनता है, और मैं अपनी ममता आप पर न्योछावर करने के लिए आतुर हूं। इस प्रकार परमपिता परमेश्वर श्री हरि विष्णु एक ही जन्म में दो दो माताओं का पुत्र बनने के लिए उत्साहित भी थे और भावुक भी, किंतु जगत माता श्री लक्ष्मी और अन्य सभी देवगण ये जानना चाहते थे कि श्री हरि ये अभूतपूर्व कार्य कैसे करेंगे। भगवान बोले, ये सब संभव होगा उसके कारण जो मेरे अगले जन्म की कथा का मुख्य पात्र है, कंस।
जब जीवन पर संकट हो तो अभिमान अर्थहीन होता है, जब प्राणों पर बनाए तो सम्मान स्वाभिमान सब निरर्थक होता है। इन व्यर्थ के मूल्यों को बीच में मत आने दो और दया उसे तो बिल्कुल नहीं। महापापी अत्याचारी कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से ससुराल ले जा रहा है वही तेरे अंत में सहायक होगी। तेरा काल तेरी प्रिय बहन के गर्भ से उसकी आठवीं संतान बनकर जन्म लेगा और तेरा विनाश करेगा, विनाश करेगा, विनाश करेगा। आप, मुझे आपसे भय लग रहा है। आप मेरे भैया नहीं हो सकते। सही कहा तुमने, जो मेरे विनाश को जन्म दे उस कुलघातिनी से मेरा कोई संबंध नहीं। महाराज, यदि आपको इस विषय में इतना संदेह है तो आप हमारी आठवीं संतान के प्राण ले लीजिएगा, बल्कि आठवीं संतान ही क्यों, उसका जन्म होने तक हमारी सभी संतानों का वध आप स्वयं अपने हाथों से कर लीजिए। स्वामी, हे मथुराधिपति, मेरी पत्नी को प्राण दान दे दीजिए। मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव आपको वचन देता हूं, अपनी आठों संतानों को जन्म लेते ही स्वयं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अपनी आठों संतानों को जन्म लेते ही स्वयं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। देवकी के पुत्र एक के बाद एक जन्म लेते रहे और उनकी हत्या कर कंस अपने पापों की संख्या में वृद्धि करता रहा। तब उसकी क्रूरता की कथा ऐसे मोड़ पर आ पहुंची जहां से वापसी असंभव है, क्योंकि अभी अभी उसने देवकी के छठे पुत्र का वध कर दिया है। हे प्रभु, कितना दुर्दांत है ये कंस। किंतु एक ही जन्म में एक साथ दो माताओं का पुत्र बनने में उसने आपकी सहायता कैसे की प्रभु? उसके भय ने उससे ये कार्य सहज ही करवा दिया देवराज। जन्म लेते ही माता देवकी के सभी पुत्रों की हत्या कर उसने मुझे विवश कर दिया है। अब जीवित रहने के लिए मेरे अवतार को माता देवकी की कोख से जन्म लेने के तुरंत बाद मैया यशोदा के पास गोकुल जाना ही होगा। कुछ नहीं कर पा रहा हूं। आपके प्रताप से मैं भूमि अनंत काल से समस्त विश्व का भार उठा रही हूँ, किंतु प्रभु अब दुष्टता इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। अब दया कीजिए प्रभु, इससे पहले कि मैं बुराई के इस असीम भार के नीचे दबकर ब्रह्मांड की अतल गहराइयों में खो जाऊं, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। आंखें खोलिए प्रभु, आंखें खोलिए। चिंता मत कीजिए,
समय की पुकार को अनसुना नहीं करूंगा मैं। मैं आप सबका कष्ट हरूंगा। मैं अवश्य अवतार लूंगा। मैं अवश्य अवतार लूंगा। मैं अवश्य अवतार लूंगा श्री कृष्ण के रूप में। श्री कृष्ण के रूप में। श्री कृष्ण के रूप में। कंस का वध करूंगा, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करूंगा जिनके कारण इस काल का सबसे बड़ा युद्ध होगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं सभी अत्याचारियों को एक साथ समाप्त करूंगा और इस प्रकार मैं भूमि देवी का भार अवश्य हल्का करूंगा। मैं धन हुई प्रभु। हम धन्य हुए प्रभु। किंतु ये सब मेरे अगले अवतार के प्रमुख कारण नहीं है। तो फिर प्रभु? मेरे अगले अवतार का सर्वप्रथम और सर्व प्रमुख कारण है माँ के अलौकिक प्रेम का अनुभव करना। मैं माँ की ममता के सभी रूपों का आनंद लेना चाहता हूं। उसके हाथों से भोजन करना, उसके अंग से लिपट जाना, लोरियां सुनना, संसार के सभी संकटों से सुरक्षित उसकी गोद में सोना, उसे मां मां कहकर पुकारना, सांसारिक विषयों के बारे में उससे जानना, और फिर कोई शैतानी कर उसके आगे आगे भागना, उसे डांट खाना और फिर उसे मनाने के लिए क्षमा मांगना। कौन है वो सौभाग्यशाली महिला जिन्हें आपने अपनी मां के रूप में चुना है? वो महिला है यशोदा। यशोदा। यशोदा आ जाएगो। आपके जैसा बड़ा ना है कि रास्ता ढूंढते हुए अपने आप घर लौट आएगो। बस 6 महीने का बालक है, अबोध है। हे नारायण क्षमा करना, अपने पति देव से ऊंची स्वर में बात कर ली मैंने। किसी को भी बुद्धि ना है पूरे गोकुल में कि नंद जी का बालक खो गयो है, सुबह सुबह घर से भाग गयो है। किसी को ना पड़ी है कि उसे ढूंढे लेकर आए, यही सम्मान देते हैं वे गोकुल के राजा को। हे भगवान, ना जाने मेरा बच्चा कहाँ होगो, कैसा होगो, कितना समय हो गया है, अब तक तो भूख भी लगी आई होगी उसे।
आप क्यों रुक गए? आप खाओ। हाँ हाँ आप खाओ, आनंद से खाओ। आपको तो कुछ चिंता ही ना है। माँ ही तड़पती है अपनी संतान के लिए। अब क्या खाली पेट काम पे जानो है? क्या कहेंगे सब कि यशोदा अपने पति को भूखा रखे? ना ना आप खाओ। गुड़ के लड्डू कितने पसंद है उसे, कब से बना के रखे हैं। यशोदा तुम स्वयं क्यों नहीं जाकर ढूंढती उसे? लड्डू भी खिला दियो और घर वापस भी ले आई। जाओ शीघ्र जाओ। मेरे बच्चे को देखो है? ना कहाँ है तू? देख तेरी मैया कितनी चिंतित हो रही है, और तू है कि अभी तक मैया यशोदा का लाडला यही है, 6 माह का बछड़ा। इसी पर ये अपनी सारी ममता न्योछावर करती हैं। तो फिर भाग गो, प्रतिदिन का काम हो गया है तेरा। मैंने कही थी ना मेरे बिना, अपनी मैया के बिना कहीं ना जानो है। जे संसार कितना भयानक है कछु मालूम है तुझे? दुष्ट भरे पड़े चारों ओर। वाह, दुनिया की अनोखी मैया और उसका अनोखा बालक, जो कि बालक है ही ना, गाय का बछड़ा है। तो लक्षणा, तुम्हारी जे दशा कौन ने की? और कौन ने, जे तुम्हारे सपूत ने कूद फाद के मेरे पूरे बगीचे का सत्यानाश कर दो है। मेरा रामू ऐसा कर ही ना सकता। जे क्यों आएगा तुम्हारे बगीचे में? रंग बिरंगे फूलों के लिए। फूलों के लिए? हाँ, जीप लप लप आती है इसकी मेरे फूलों के लिए। सुबह सुबह भाग के आ जाते हो इन्हें खाने के लिए। फूल खाने? सुलक्षणा तुम्हें कछु वहम हुआ है? जे मेरा रामू है, जे फूल वूल क्यों खाएगा भला? अच्छा तो फिर आप ही इसका मुंह खोलो और स्वयं देख लियो। हाँ तो ठीक है, असत्य के पैर ना होते जब इसे धो जाएगा। रामू मुंह खोल के दिखा। मैया की कही मानते हैं ना, मुंह खोल। रामू सुलक्षणा चाची को दिखा दे कि तूने उनके फूल ना खाए। चल मुंह खोल, मुंह खोल। हाँ हाँ देख लो, इसने कछु ना खाया है। हाँ हम चल रहे हैं। अरे पर मुझे भी तो देख लेने दो। सुलक्षणा मैं नंद देव की पत्नी हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं असत्य बोलूंगी? ना ना जशोदा जी, लेकिन आप तो सिद्ध करने वाली थी ना। हो तो गए हो सिद्ध। चल रहा हूँ, देर हो रही। अरे अरे यशोदा पवित्रता की प्रतिमूर्ति है, विश्वास का आधार सुरक्षा की भावना है, ममता का मूर्त रूप है वो, वात्सल्य की गंगा है, भावनाओं का बहता हुआ निरक्षर है। यशोदा अपने आप में परिपूर्ण है, यशोदा माँ है। प्रभु
माँ यशोदा निश्चित ही अद्भुत है। जिनके यहाँ आप पुत्र बनकर जाना चाहते हैं उन्हें तो असाधारण होना ही है। किंतु प्रभु, आपके दिए हुए वचन के अनुसार आपको देवी देवकी का पुत्र बनकर जाना है, तो फिर आप एक ही जन्म में दोनों माताओं के पुत्र कैसे बन सकते हैं? आपका प्रश्न उचित है इंद्रदेव। पूर्व काल में प्रजापति सुतप्पा और उनकी पत्नी प्रश्नी ने मेरी घोर तपस्या की थी। उनके आग्रह करने पर मैंने उन्हें वरदान दिया था कि जब वो देवकी और वसुदेव के रूप में पृथ्वी पर आएंगे तब मैं उनका अष्टम पुत्र कृष्ण बनकर जन्म लूंगा। पर मैया यशोदा के वात्सल्य प्रेम ने मुझे दुविधा में डाल दिया, क्योंकि वो भी तो पिछले जन्म से ही है ना। पिछले जन्म से? पिछले जन्म में मैया यशोदा 8 वसुओं में से एक श्री द्रोण की पत्नी धरा थी। वरुण देव विनती सुन लीजिए, तन मेरा निर्जल कर दीजिए। प्रभु, माता धरा की तपस्या का तेज अत्याधिक है। प्रकृति के पंच तत्व, पांचों महाभूत इनकी पुकार सुनने के लिए विवश है। धरा, प्रभु आप नियमों से तो अवश्य बंधे हैं, परंतु आप लीलाओं के स्वामी हैं। कोई तो उपाय निकालिए। जिस आयु में संतान को अपनी माँ की ममता के आंचल की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, उस आयु में अर्थात अपने जन्म के प्रथम दिन से 10 वर्षों तक मैं आपके साथ रहूंगा। किंतु फिर मुझे अपनी जन्म देने वाली माँ माता देवकी के पास लौटना होगा। ऐसा करने से मैं उन्हें दिया वचन भी निभा पाऊंगा और आपकी ममता का सौभाग्य भी प्राप्त कर पाऊंगा। यदि आपको स्वीकार हो तो। स्वीकार है प्रभु, सहर्ष स्वीकार है। एक माँ और पुत्र का नाता केवल उसके कोख से जन्म लेने से ही नहीं बनता, ये नाता तो ममता से बनता है। और मैं अपनी ममता आप पर न्योछावर करने के लिए आतुर हूं। ये सब संभव होगा उसके कारण जो मेरे अगले जन्म की कथा का मुख्य पात्र है।
कंस। महापापी अत्याचारी कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से ससुराल ले जा रहा है वही तेरे अंत में सहायक होगी। तेरा काल तेरी प्रिय बहन के गर्भ से उसकी आठवीं संतान बनकर जन्म लेगा और तेरा विनाश करेगा, विनाश करेगा, विनाश करेगा। आप, मुझे आपसे भय लग रहा है। आप मेरे भैया नहीं हो सकते। सही कहा तुमने, जो मेरे विनाश को जन्म दे उस कुल घातिनी से मेरा कोई संबंध नहीं। महाराज, यदि आपको इस विषय में इतना संदेह है तो आप हमारी आठवीं संतान के प्राण ले लीजिएगा, बल्कि आठवीं संतान ही क्यों, उसका जन्म होने तक हमारी सभी संतानों का वध आप स्वयं अपने हाथों से कर लीजिए। स्वामी, तेरी मैया कितनी चिंतित हो रही है और तू है कि अभी तक मैया यशोदा का लाडला यही है, 6 माह का बछड़ा। इसी पर ये अपनी सारी ममता न्योछावर करती हैं। तो फिर भाग गो, प्रतिदिन का काम हो गया तेरा। मैंने कही थी ना, मेरे बिना, अपनी मैया के बिना कहीं ना जानो है। जे संसार कितना भयानक है कुछ मालूम है तुझे? दुष्ट भरे पड़े चारों ओर। यशोदा पवित्रता की प्रतिमूर्ति है, विश्वास का आधार सुरक्षा की भावना है, ममता का मूर्त रूप है वो, वात्सल्य की गंगा है, भावनाओं का बहता हुआ निरक्षर है। यशोदा अपने आप में परिपूर्ण है। यशोदा माँ है। प्रभु, माँ यशोदा निश्चित ही अद्भुत है। जिनके यहां आप पुत्र बनकर जाना चाहते हैं उन्हें तो असाधारण होना ही है। किंतु प्रभु, आपके दिए हुए वचन के अनुसार आपको देवी देवकी का पुत्र बनकर जाना है, तो फिर आप एक ही जन्म में दोनों माताओं के पुत्र कैसे बन सकते हैं? आपका प्रश्न उचित है इंद्रदेव। पूर्व काल में प्रजापति सुतप्पा और उनकी पत्नी प्रश्नी ने मेरी घोर तपस्या की थी। उनके आग्रह करने पर मैंने उन्हें वरदान दिया था कि जब वो देवकी और वसुदेव के रूप में पृथ्वी पर आएंगे तब मैं उनका अष्टम पुत्र कृष्ण बनकर जन्म लूंगा। पर मैया यशोदा के वात्सल्य प्रेम ने मुझे दुविधा में डाल दिया, क्योंकि वो भी तो पिछले जन्म से ही है ना। पिछले जन्म से? पिछ...
पिछले जन्म में मैया यशोदा 8 वसुओं में से एक श्री द्रोण की पत्नी धरा थी। प्रभु, माता धरा की तपस्या का तेज अत्याधिक है। प्रकृति के पंच तत्व, पांचों महाभूत इनकी पुकार सुनने के लिए विवश है। धरा, प्रभु आप नियमों से तो अवश्य बंधे हैं, परंतु आप लीलाओं के स्वामी हैं। कोई तो उपाय निकालिए। जिस आयु में संतान को अपनी मां की ममता के आंचल की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, उस आयु में अर्थात अपने जन्म के प्रथम दिन से 10 वर्षों तक मैं आपके साथ रहूंगा, किंतु फिर मुझे अपनी जन्म देने वाली मां माता देवकी के पास लौटना होगा। ऐसा करने से मैं उन्हें दिया वचन भी निभा पाऊंगा और आपकी ममता का सौभाग्य भी प्राप्त कर पाऊंगा। यदि आपको स्वीकार हो तो। स्वीकार है प्रभु, सहर्ष स्वीकार है। एक मां और पुत्र का नाता केवल उसके कोख से जन्म लेने से ही नहीं बनता, ये नाता तो ममता से बनता है। और मैं अपनी ममता आप पर न्योछावर करने के लिए आतुर हूं। देखते ही देखते वो शुभ घड़ी, मैया यशोदा के लल्ला के जन्म की घड़ी आ गई। पिताजी, पिछले जन्म में 12 सहस्र वर्षों तक
आपने कठिन तपस्या की थी। मूसलाधार वर्षा, घनघोर आंधी, चिलचिलाती हुई धूप और अस्थियां जमा देने वाली ठंड, सभी कष्ट सहे थे आपने, केवल इसलिए कि आप मुझे पुत्र रूप में प्राप्त कर सके। और आज जब मैं आपके सामने हूं, तो आप कंस के भय से व्याकुल हैं और पुत्र के रूप में एक सामान्य बालक चाहते हैं। पिताजी, इससे पहले कि कंस यहां आए, आप मुझे लेकर यमुना पार चले जाइए और वहां गोकुल में अपने भाई नंद के संरक्षण में मुझे छोड़कर उनके यहां जन्मी पुत्री को यहां ले आइए। द्वार देव की, क्या ये द्वार भी?
मारेगा। अपनी आयु संभाल, काल तेरा अवतरित, रूप है उसका बाल। श्री हरि जी बालक, माता तू ही सारे जग की है विधाता, प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जगपाला। ये स्वप्न ना है, लल्ला है मेरा। यही तो है आनंद, परम आनंद। मेरी मैया, कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था मैं। अरे सुन रे बंधु, अरे सुन रे बाला, अरे सुन रे, सुन रे, सुन रे। सुन रे बंधु, सुन रे बाला, ब्रज में उगो है चंद विशाला। सुन रे बंधु, सुन रे बाला, ब्रज में उगो है चंद विशाला। तिमिर मिटा के करें उजाला, यशोमती मैया के नंदलाला, नंदलाला। तो बिल्कुल वैसा ही देखते हो जैसा स्वप्न में देखा था। आपने मेरी मुंह की बात छीन ली, मैं तब से यही सोच रही थी। कौन हो तुम? मैं हूं श्री विष्णु का अवतार। तो क्या अब तुम विश्वास करोगी? हमारा लल्ला ना सच्ची में श्री हरि का अवतार। स्वप्न में तो यही कहा था उस बालक ने। और इसकी आंख, नाक, चेहरा, मोहरा सब वैसा ही तो है। ओहो, यदि मैया ने सच में मान लिया कि मैं कोई साधारण बालक नहीं बल्कि अवतार हूँ, तो ये मेरी पूजा करने लगेंगी, इनकी ममता भक्ति में बदल जाएगी। और यदि ऐसा हुआ तो मैं माँ के सहज सामान्य प्रेम का अनुभव कैसे कर पाऊंगा? सच्ची में बावली हो गई हूँ मैं। जे भगवान का अवतार कैसे हो सकता है? जे तो मेरा भोला भाला सा बालक है। वो स्वप्न था पतिदेव, जे हमारी वास्तविकता है। देखो कितना छोटा सा है ये बालक।
इतना कोमल, इसे तो मेरी रक्षा की आवश्यकता है, अपने मैया के प्रेम की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा मैया, यही चाहिए मुझे। सुनो जी, मेरा एक अनुरोध है, जब तक इसका नामकरण ना हो जाता है, हम इसे नीलमणि कहकर पुकारेंगे। नीलमणि नीले रंग वाला, वैसा ही जैसे हमने स्वप्नों में देखा था, नहीं? आप दोनों तो मेरी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। आपका ध्यान कैसे आकर्षित करना है पता है मुझे। उनके प्रसन्नता की तो सीमा ही ना थी, उनका बस चलता तो। क्या हुआ नीलमणि, तू ठीक तो है ना? ठीक हुआ मैया, यही तो चाहिए था मुझे, अपने ऊपर आपका ध्यान, आपकी ममता। इसे दूध की आवश्यकता होगी। हाँ, वो भी चाहिए मुझे, तीव्र भूख लगी है। हे नारायण, मेरा लल्ला बहुत भूखा है, अभी तक दूध भी ना पिलाओ मैंने इसे। सबसे पहले होगा जात कर्म संस्कार। यशोदा, जातकर्म संस्कार के बाद ही बालक को पहली बार दूध पिलाया जा सकता है। तनिक प्रतीक्षा कर लो, संस्कार हो जाने दो। ना ना, अब अपने लल्ला को और देर भूखा ना रख सकती मैं, और लल्ला ही क्यों, अब मैं स्वयं को भी इसे दूध पिलाने से और ना रोक सकती। रुको यशोदा, ये क्या कर रही हो तुम? अपने भूखे लल्ला को दूध पिला रही हो जीजी, कोई पाप थोड़े ना कर रही हूँ। पाप नहीं है किंतु भूल अवश्य। अपने संतान की भूख मिटाना भूल कैसे हो सकती है चिची? एक कर्म कांड के लिए मैं अपने संतान को और भूखा ना रख सकती। आपको तो पता है मैंने इस क्षण के लिए कितनी प्रतीक्षा की है, कितना तरसी हूं मैं। जब जब मैं संसार भर की मैया को देखती थी, अपनी संतान को गले लगाते हुए, उन्हें दूध पिलाते हुए, तो मैं मन ही मन यही प्रार्थना करती थी कि मैं कब मैया बनूंगी, कब मैं अपने तन अपने रक्त से अपने संतान का पोषण करने का अनुभव करूंगी। और आज जब ये अनुभव करने का अवसर आयो है, मेरा लल्ला सामने है, भूखो है, तो तुम मुझे रोक रही हो जीजी? यशोदा, प्रतीक्षा के वो दिन बीत गए, अब तुम मैया हो, और ये मैया अपने संतान का हित चाहती है ना? पंच दोष से मुक्ति हो, मिले सुख समृद्धि अपार, जन्म के बाद जो पिता करे जात कर्म संस्कार। ओ वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विष्णु, क्या लगता है तुझे कि तू मुझसे बच गया है? मुझे मूर्ख बनाकर कहीं और जन्म ले लिया तुमने, तो क्या मैं अपनी पराजय को स्वीकार कर लूं? क्या अपनी विनाश की राह में पलक पावड़े बिछाकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करूं मैं? विष्णु, देख कष्ट
मैया का व्याकुल हो नन्हे कन्हैया जग सम्मुख पर इनको दिखे बस यशोदा मैया दिखे बस यशोदा मैया कहते हैं नारी का जीवन मैया बने बिना अधूरा होता है मैं कब से अधूरी थी तेरे लिए तड़पती थी नारायण से प्रार्थना करती थी और सोचती थी नारायण मेरी आस पूरी क्यों ना कर रहे किंतु प्रतीक्षा का फल मीठा होता है देर से दियो पर जिसे दियो है वो जग में सबसे निराला है तूने मेरा जीवन सार्थक कर दियो लल्ला नारायण का बहुत बहुत आभार और तेरा भी जो तूने मुझे अपनी मैया के लिए चुनो है आभार आपका जो आपने मुझे अपनी ममता का अनुभव करने का अवसर दिया मैया आज मैं तुझे वचन देती हूँ लल्ला सदैव सबसे अधिक प्रेम तुझसे करूंगी स्वयं से पहले समस्त संसार से पहले तेरा हित रखूंगी सदैव तेरे साथ रहूंगी तेरा ध्यान रखूंगी तेरी रक्षा करूंगी आज से तेरा हर कष्ट मेरा है लल्ला हाँ, थोड़ी पगली अवश्य हूँ किंतु तेरे लिए संसार की सबसे अच्छी मैया बनने का प्रयत्न करूंगी मैं जानती हूँ मुझे क्या लगता है मैया संसार के सबसे अच्छे मैया लल्ला बनेंगे हम दोनों सबसे अनोखे सबसे न्यारे मैया माँ सृष्टि के साथ एकाकार हो रही है क्या हो गया भाभी को
यशोदा मैया की अंतर ज्योति प्रकृति के मूल प्रकाश के साथ मिल रही है। उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है, परंतु आप ये नहीं चाहते थे कि मैया या किसी और को आपके दिव्यता के विषय में पता चले। आप सही कह रही हैं देवी, परंतु बालक नीलमणि को तो पता ही नहीं है कि उसके कारण क्या हो रहा है। वो ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा है, किंतु अभी उसे अपनी दिव्यता को छुपाना नहीं आता। मेरे अवतार को दूध पिलाने के इस सामान्य कार्य ने ही उनके सभी दोषों से उन्हें विहीन कर दिया है। वो मोक्ष प्राप्त करने की स्थिति में आ गई हैं। कुछ कीजिए प्रभु, ऐसा ना हो कि आपके मानव जीवन की अद्भुत कथा प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाए। आपके अवतार लेने का सर्व प्रमुख उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा प्रभु। समय बीता जा रहा है प्रभु, योगमाया ही अब सहायता कर सकती है। उनका आवाहन कीजिए, कुछ कीजिए। प्रभु तो स्वयं ही चले गए, इतना महत्वपूर्ण है उनके लिए माँ की ममता को अनुभव करने का ये अवसर कि छोटे से छोटे संकट को भी पाँव का कंटक नहीं बनने देना चाहते हैं। जो देखा है भूल जाइए, जहाँ थे वहीं वापस चले जाइए। समय कम है, मैया यशोदा को अंतिम सत्य ज्ञात होने से पूर्व ही इन सभी की स्मृति बदलनी होगी। आज दिन में ही नींद आ गई। मुझे भी जाने कैसे झपकी सी आ गई। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगो। काल कभी किसी के लिए नहीं रुकता, परंतु आज आपने काल की गति को ना केवल रोक दिया बल्कि पलट भी दिया। प्रभु,
ये अभूतपूर्व है। जो असंभव को संभव कर दे वही तो है माँ की ममता। नंदलाला नंदलाला तो सुन रहे लल्ला, ये सब तुझे नंदलाला कह के पुकार रहे हैं। मेरा नाम तो कोई ले ही नहीं रहा तेरे साथ, जबकि सबसे अधिक चिंता मुझे ही है तेरी कि जे इतनी लंबी बात कहीं तू थक ना जाए। जितने लोग उतना आशीर्वाद यशोदा रानी, जे यशोदा का लल्ला है इतनी आसानी से ना थके वो। यशोदा के लाडले नंदलाला जीते रहो। यशोमती मैया के नंदलाल की जय। 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 सुना तूने लल्ला, ये सब क्या कह रहे? यशोमती मैया के नंदलाला, अच्छा लगा तुझे? अच्छा कैसे नहीं लगता मैया, यही कहलाने तो आया हूँ मैं, यशोमती मैया का नंदलाला। निर्धन अपने पराए का भेद भूलकर अपने दही माखन को सबके साथ बांटना, एक रंग में रंग जाना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मेरे जन्म का उत्सव हर वर्ष ऐसे ही मनाना। सुनो जी, मैं लल्ला को लेके भीतर जाऊं, जब बहुत थक गए। पता है लल्ला, संध्या होने को आई तो बहुत थक गया होगो, अब जितना मन करे उतना विश्राम कर। आज तो आनंदी आ गए हो। यशोदा जी के लल्ला को देख के लोग कैसे बावले हो गए थे, और वो मूर्ख जो पाथ में सबसे आगे खड़ा था मुझे रोक रहा था। हाथ तोड़ के लल्ला को देखने मेरे जीते जी तो ना जा पाओगे, फिर कैसे गिरा? जी जी, ऐसे किसी का उपहास ना उड़ाना चाहिए, वो बेचारा तो नीलमणि को सबसे पहले देखना चाहता था। वैसे उस सब इतने अच्छे से हो गए हो कि आनंद ही आ गए हो। बस किसी की बुरी दृष्टि ना लगे मेरे लल्ला। हाँ भाभी, लल्ला को देखने पूरो गाँव आयो तो। अरे आता कैसे नहीं, यशोदा मैया का लल्ला है ही इतना मनमोहक। सही कहा ना मैंने? सब तुझे कितने ध्यान से देख रहे थे, है ना? कुछ और बात करो ना, मैया को चिंता हो रही है। वैसे चिची,
चिंता की बात तो है। हरिराम कुमार की लाली के साथ क्या हुआ था याद है ना? क्या हुआ था? लो यशोदा जी भूल गई, जन्म हुआ तो खिले फूल सी थी कन्या, पर फिर घाट पर ऐसे पड़ी कि अब तक ना उठ पाई है। जाने कौन सा रोग लगा है। रोग ना दृष्टि लगी है, बुरी दृष्टि, जो देखने आए थे उन्हीं में से किसी की। सुलक्षणा चाची, मैया की चिंता बढ़ाने का कोई अवसर नहीं छोड़ती हो आप। कुम्हार की लाली को देखने कितने जन आए होंगे, 10, 20, 30। मेरे नीलमणि से मिलने पूरा गोकुल आओ था। हे नारायण। नारायण ही जाने किसकी दृष्टि का कैसा असर होगो। वैसे कोई तो पहचान होती होगी ना पूरी दृष्टि की, है चाची? अब चुप भी हो जाओ, देखो कितनी घबरा गई है मेरी मैया। अचानक क्या होगो, जे गौशाला में क्यों जा रही है? पता नहीं। अच्छा, सबला और रामू से मिलवाने लाई हो मैया? सबला, तुम्हें तो पता है ना मैं अपनी संतान के लिए कितना तरसी हूँ। हाँ, इसे किसी की बुरी दृष्टि तो ना लगी। तुम्हें सहायता करो मेरी। अब है इसमें सबला क्या करेगी मैया, ये तो गाय है। कोई खेल है क्या? मुझे इसकी पूंछ पकड़नी है। यशोदा, ये लो गोमूत्र से शुद्धि करते हैं, बुरी दृष्टि का समय समाप्त हो जाएगा। सभी पदार्थों में गोमूत्र उत्तम है मैया, गंगा जल के समान पवित्र। यदि कोई बुरी दृष्टि थी भी तो अब अवश्य दूर हो जाएगी। अब तो निश्चिंत हो जाओ मैया। जी जी, लल्ला को देखो कैसे खिलखिला रहे है। अब चिंता दूर हुई कि ना? पूर्व वाली तो हो गई है, किंतु अब नई चिंता सता रहा है मुझे। यही कि तुम सब इसे फिर से बुरी दृष्टि ना लगा दो। हैं? जी। हाँ, नहीं तो चलो अब मुझे और मेरे लल्ला को अकेला छोड़ दो। जाओ जाओ। सबला, तुम तो मुझसे पहले मैया बनो थी। तुम्हें तो जैसा अनुभव होगा, बताओ इसकी सारी दृष्टि उतर गई ना? देखो सबला, जैसे रामू मेरा लल्ला है वैसे ही जिन नीलमणि तुम्हारा भी लल्ला है, तो इसकी गौ मैया होने के नाते तुम्हें ध्यान रखना होगा कि अब इसे किसी की भी बुरी दृष्टि कभी ना लगे। तुझसे है पूरन दुनिया।
आइए। मैं तो पंडित जी के बारे में बताने आया था, लल्ला के सृष्टि पूजन के बारे में कुछ। अब तुझे 6 दिवस का हो जाएगा। हाँ यशोदा रानी, उस दिन से आप अपने लल्ला को नया वस्त्र पहनाएंगी। मैं सबसे अच्छे वस्त्र चुनूंगी अपने लल्ला के लिए। पंडित जी आप केशव भैया से कह देंगे आने को, आसपास के सभी गांव में ना सबसे अच्छी पोशाक वही सिलते हैं। यशोदा तुम पंडित जी को काम सौंप रही हो, मैं चला जाऊंगा। अरे पर केशव भैया का घर देवी मंदिर के रास्ते में ही पड़ता है, पंडित जी को कोई कष्ट ना होगो, है ना पंडित जी? हाँ यशोदा रानी, कष्ट का प्रश्न कहाँ उठतो है, मैं संदेश दे दूंगा, आज्ञा दीजिए। अब मैं अपने लल्ला के लिए ऐसे वस्त्र सिलवाऊंगी जो आज तक पूरे गोकुल में किसी और बालक ने ना पहने हो।